Hey guys, welcome to my channel The Beauty Plus 5 and how are you all? I hope आप सब good होंगे. और guys, आज का ये जो video है एक इस मैंने एक ना special product के ऊपर बनाना था, special भी होएगा. ये है Swiss Beauty का professional face and eye brushes set. guys, look at the packing. गाइज, इसकी जो पैकिंग है वो इतनी कमाल की है ना कि मेरे हाथ नहीं रुके इसको लेते हुए. मैंने कहा मुझे ये ट्राई करना ही करना है, बिकॉज स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रूम अप किया है. ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी होने वाला है, सो आप बीच में कोई भी पार्ट स्किप मत करिए, एंड तक ज़रूर देखना. एंड प्लस गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, सीधा हम चलते हैं वीडियो की तरफ. तो गाइज, सबसे पहले मैंने अपने फेस पर ये रोज़ वाटर अप्लाई किया है एज अ टोनर, बिकॉज रोज़ वाटर मुझे अपने स्किन पर बहुत अच्छा लगता है लगाना. ये बहुत अच्छा टोनर का काम तो करता ही है, प्लस इसके हमारे स्किन पर बहुत सारे जो अदर बेनिफिट्स भी होते हैं. आफ्टर टोनिंग हम मॉइस्चराइज़र करते हैं अपने फेस को, मॉइस्चराइज़ यूज़ करते हैं. बट गाइज, मेरी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन है, तो इसके लिए मैं सीधा ही एक सीरम यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पर मैं लॉरियल पैलेस का सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम है. इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं. ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है. उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर. गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर है. इसको आपको अपने टी जोन पर अप्लाई करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, और मैं आपको इंडिकेट भी कर रही हूँ कि कैसे आप इसको अपने टी जोन पर यूज़ करें. ये इतना अच्छा है कि इसको लगाते ही आपकी स्किन पर एक पिंकिश काइंड ऑफ ग्लो आता है, जो कि आपके स्किन को एक बहुत बहुत एक स्मूथ टेक्सचर भी देता है. उसके बाद गाइज, मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही एक फेस इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ, एक फेस शाइनर यूज़ कर रही हूँ. और इसको लगाते ही आपके जो फेस पर है वो एक इनर से ग्लो मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है. अब मैंने इसको अच्छे से अपने स्किन पर ब्लेंड कर लिया है. अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये मेबलिन 24 आवर्स का स्टे वाला फाउंडेशन. एंड गाइस, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना स्विस ब्यूटी के ब्रशेस का सेट, जिसमें से मैंने फर्स्ट ये चूज़ किया है अपना फाउंडेशन ब्रश. एंड गाइस, जब मैं इसको लगा रही थी ना, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब कि ये ब्रशेस की क्वालिटी, ओह माय गॉड. 570 रुपीज़ में आपको इतने ज़्यादा, मुझे डिस्काउंट पर मिला है, सॉरी पर्पल से, इतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के ब्रशेस मिल रहे हैं आपको, वाव. उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर ब्रश लिया है, जिससे मैं अपने फेस को कंसील कर रही हूँ. और गाइस, इसको अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर दे रही हूँ. ये कंसीलर ब्रश भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इवन मैंने जब जैसे भी जितने भी जो ब्रशेज़ यूज़ किए हैं, उसमें से मुझे सबसे परफेक्ट ब्रशेज़ का सेट मुझे यही लगा है. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही ये पाउडर ब्रश. एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ये ब्रश आपको एक बहुत एक जैसे कि रियल टेक्निक्स के ब्रशेज़ होते हैं ना, वो वाले इफेक्ट्स, मतलब कि वो वाला आपको एहसास दिलाएगा कि हाँ, कि हम एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का एक ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पूली के साथ, जो कि मुझे इसी किट में मिला है, उसको यूज़ करा है और उस अपने आईब्रो को सेट किया है. उसके बाद मैंने यहाँ पे SFC की फैशन कलर की आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज़ को सेट किया है. दिखने में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट गाइज, ये जो ब्रशेज़ हैं कमाल के हैं. उसके बाद मैं अपने जो आईलिड्स को हैं एक पाउडर के साथ कवर कर रही हूँ, ताकि जो मेरा मैं भी आई मेकअप करूँगी वो बहुत ही अच्छे से आउट होकर आए, जो कलर्स हैं बहुत अच्छे से पॉप होए. उसके लिए मैं यहाँ पर एक आई वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक शेडो स्पेडर ब्रश है. इसके साथ मैं स्विस ब्यूटी की पैलेट में से ही एक पिंक कलर का शेड ले रही हूँ और अपनी आईज की जो आईलिड्स हैं उस पर एक क्रीज अप्लाई करूँगी. गाइस, इस ब्रश की जो खासियत है ना, वो ये है कि ये बिल्कुल हैंडी है, प्लस ये इतने ज़्यादा स्मूथ इन टेक्सचर है कि जब हम इसको लगा रहे हैं ना, इससे जो भी हम कलर अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट. और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज है ये, यू मस्ट ट्राई इट. उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से एक शिमरी शेड लिया है, जो कि एज अ हाईलाइटर मैं यूज़ करती हूँ, बट मुझे एक आई शेडो भी बड़ा अच्छा लग रहा था वो लगाने में, सो मैंने उसको यूज़ करा है एज अपने आईलिड्स पर, थोड़ा सा एक यू नो इफेक्ट देने के लिए, पिंक एंड गोल्डन का. एंड आई एम इन लव विद माई आईज, जैसा कि ये पॉप आउट होकर आया है. और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, जो कि मेरा फेवरेट पार है. और आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर. गाइस, ये बहुत ही अच्छा जेड ब्लैक आईलाइनर है और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, पॉकेट फ्रेंडली भी है. आप इसको अच्छे से कोई भी स्टूडेंट तक इसको यूज़ कर ले सकता है, परचेज़ कर सकता है और यूज़ कर सकता है.
उसके बाद मैंने वाइट काजल अप्लाई किया था, देन अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अर्बन कलर का, जो कि मोदी केयर का प्रोडक्ट है, उसका मैं काजल यूज़ कर रही हूँ। और गाइज ये काजल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक है, प्लस इसकी जो इंटेंसिटी है, कोल है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है, और प्लस ये स्मज प्रूफ है। और मैं हल्का सा पिंक शेड अपनी आँखों के नीचे भी दे रही हूँ, सो कि वो जो लुक है वो आँखों पर सेम आए। एंड लुक एट द आईज़ गाइज, कितनी अच्छी पॉप आउट होकर आई है, आए हैं ये कलर। अगेन मैं उसी पाउडर ब्रश से एक ब्लशर को लेकर अपने स्किन पर, अपने जो चीक्स हैं उस पर अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइज मैं तो कहती हूँ कि ये ब्रशेज से मुझे प्यार हो गया है। इवन ये ब्रशेज इतने अच्छी क्वालिटी के हैं कि मैं कह नहीं सकती, दीज ब्रशेज आर सो गुड। मैंने इसी पैलेट पे से हाइलाइटर को यूज़ करा है। मैंने अब थोड़ा सा यू नो स्विस ब्यूटी पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। अब वही जो मेरी आईब्रो पेंसिल थी, उसी से मैं अपने स्किन को हल्का सा, जो नोज है, अपने चीक्स है, हल्का सा अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ। कंटूर करने के बाद मैं अपने मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा मस्कारा यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे मैं मेबलिन का फॉल्स आई लैशेज मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट मस्कारा है। इसको मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रही हूँ विदाउट एनी स्विच गाइस। और मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं अपने लैशेज, यू कैन सी दैट आई लुक कितना ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने यहीं पे यूज़ किया है ये स्विस ब्यूटी का ही एक ये जेल लिप्स है, ये जेल लिप ग्लॉस कह सकते हैं इसको। एंड लुक एट द फाइनल लुक गाइज, बस मैंने यहाँ पे ह्यूडा ब्यूटी का स्प्रे से अपने स्किन को स्प्रे किया है, सेटिंग स्प्रे से। एंड हेयर्स माई फाइनल लुक गाइज। सो प्लीज़ 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 आप बताना कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी।